मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज विषय गणित कक्षा नौवीं का पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप बहुपद पढ़ रहे थे, उसके आगे एक जो है नया टॉपिक है बीजीय सर्वसमिकाएं। तो आज को लेके इसको पढ़ते हैं। इसमें आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे और उसको सर्वसमिका के नाम से बोलते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि बीजीय समीकरण अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक बीजीय समीकरण होती है जो कि चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। देखिए सर्वसमीका एक, पहली है एक्स धन वाई की घात दो बराबर होता है x की घात दो धन दो एक्स वाई धन y की घात दो। ठीक, सर्वसमिका दो, x ऋण y की घात दो बराबर होता है x की घात दो ऋण दो एक्स वाई धन y की घात। पहले और दूसरी सर्वसमिका में अंतर ये है कि यहाँ धन है और यहाँ पर ऋण है, बाकी सेम लिखना है। सर्वसमिका तीन, x की घात दो ऋण y की घात दो, इसका सॉल्यूशन है कोष्टक में आएगा x धन y और कोष्टक में आएगा x ऋण y। बच्चों आपको याद करना है, लिखना है। अब सर्वसमिका चार, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर है x की घात दो धन a धन b ब्रैकेट x धन ए बी। सर्वसमिका पांच, x धन y धन z की घात तीन x y की घात दो धन z की घात दो धन दो x y धन दो y z धन दो z x। यहाँ पे तीन चर राशि मिलेंगे। ठीक, सर्वसमिका छह, x धन y की घात तीन बराबर है x की घात तीन धन y की घात तीन धन तीन एक्स वाई कोष्टक में x धन y। चूंकि इसमें से कुछ सर्वसमिकाओं का प्रयोग हम गणितीय सवाल में करेंगे, तो चलते हैं सवाल की ओर। देखिए एक उदाहरण से समझते हैं इसको। सीधे गुणा ना करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। संख्या दी गई है 105 गुणा 106। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक सर्वसमिका समझाई थी x धन a और x धन b। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 105 और 106, 105 को ब्रेक करते हैं। देखिए ये ब्रेक होगा 100 धन 5। ठीक है, फिर 106 को ब्रेक करेंगे, ये होगा 100 धन 6। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को लेंगे और सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे। तो सर्वसमिका 4 से, चार द्वारा जो हल होगा वो होगा x धन a और x धन b। तो एक 100 को मानेंगे a और 5 को मानेंगे b। ठीक है, इसी प्रकार 100 को मानेंगे a और 6 को मानेंगे b। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। यहां लिखेंगे 100 धन 5 a का मान और x का मान 100 धन 6 b का मान। ठीक, आगे
अब इसमें x इस तो ये x स्क्वायर यानी ये x इसको x माना है और इसको a माना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 100 का स्क्वायर धन a धन b, a धन b यानी 5 धन 6 into x यानी 100 धन a into b 5 into 6। चलिए इसको रफ से समझते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 100 का स्क्वायर या 100 की घात 2 तो कैसे लिखेंगे, 100 गुणा 100 ठीक है बच्चों, तो गुणा का मतलब तो गुणा करना है, 100 में 100 का जब गुणा करेंगे तो गुणा को सिंपली करेंगे कैसे, ये 2 0 2 0 है, ये बन गया 1 2 3 और ये 4 0 ठीक है, और एक पे एक जब गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, तो ये संख्या कितनी होगी 10,000 ये संख्या होगी 10,000 ठीक। आगे इसी प्रकार गुणा करेंगे a धन b यानी 5 धन 6 और इनटू 100 का करेंगे तो करते हैं 5 और धन 6 ये हो जाएगा 11 गुणा 100 ठीक ठीक। इसी प्रकार गुणा करो, 100 का गुणा करेंगे तो सिंपल तरीका है कि 100 में 2 0 होते हैं तो 2 0 लगाया, 1 का गुणा 11 नहीं किया तो 11 इनटू 1 होता है 11, ये हो जाएगा 11 1100 ठीक। नेक्स्ट 5 × 6 तो 5 × 6 करेंगे तो ये होता है 30, आप लोग टेबल अच्छे से याद कर लेंगे ठीक है, तो 30 आया समझ में। अब ये संख्या यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया अपने 10,000 ठीक, फिर आ गया 1100 यानी 1100, फिर आ गया 30, तीनों को क्रमशः जोड़ेंगे, आपको बेटा जोड़ना भी आना चाहिए, मैं आपको जोड़ना भी बता रही हूँ, देखिए 10,000 में 4 0 है ठीक, फिर 1100 आप इकाई से लिखेंगे 0 0 1 और 1, फिर 30 को भी इकाई से लिखना चालू करेंगे 0 और 30, इसको जोड़िए तब जोड़ेंगे तो ये 0 3 0 1 1 और 8 ठीक है, ये इतना आंसर 11,130 इसका उत्तर आएगा। इसमें हमने डायरेक्ट गुणा नहीं किया है, इसमें हमने सरल समीकरण का प्रयोग करके सवाल को हल किया है ठीक है बेटा। आगे हम एक सवाल और देखेंगे ठीक है, चलिए एक और सवाल, बहुत अच्छा उदाहरण है, उपयुक्त समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान याद कीजिए, यहाँ दिया है एक संख्या दी गई है 104, पहली दी गई है 104 के ऊपर क्या है 3 यानी इसकी घात कितनी है 3 का पावर 3, अब इस पावर के हिसाब से इसको 104 को ब्रेक करेंगे ठीक, ब्रेक मतलब दो भागों में विभाजित करेंगे, दो भाग करें इसके तो दो भाग में जाएगा 100 धन 4 ठीक, ये होता है 104 घात 3। अब एक सरल समीकरण पढ़ी थी हमने छठे नंबर की, देखिए ये सरल समीकरण पढ़ी थी कि x धन y की घात 3 बराबर होता है x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy और पोस्टर में आएगा x धन y, ये हो गई छठे नंबर की सरल समीकरण, तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो मानेंगे x तो मानेंगे y ठीक, x की घात 3 लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो सौ की घात 3 हो जाएगा, फिर धन यहाँ भी देखते जाओ सब समीकरण में y की घात 3 y है अपना 4 की घात 3 होगा, फिर धन 3xy 3 इंटू x का मान कितना है 100 इंटू y का मान है 4 ठीक, और कोष्ठक में आएगा x धन y
अपना एक्स की वैल्यू तो धन, वाई की वैल्यू है 4। ठीक है बेटा, तो आप सॉल्व करते हैं 100 की घात 3। तो 100 की घात 3 को तो आपको समझना है अच्छे से ना, रफ वर्क जो है मैं यहाँ कर रही हूँ, आप देखो अच्छे से। पहले ये देखिए यहाँ पे रफ वर्क ये आएगा 100 की घात 3 का मतलब फिर से बस देखो 100 को 3 बार गुणा करना। ठीक है, 100 × 100 × 100। वेक्टर्स बताइए आपको हमने, जितने जीरो है इतने लिख दो, 2, 4 और 6 हो गए। अच्छा जीरो, एक का जब गुणा होगा तो 1 आएगा, मतलब 1,11,000, 10,000, 10,000 मतलब ये संख्या कहलाएगी 10 लाख। ठीक, इसी प्रकार आपको करना है 4, 4 की घात 3, 4 को भी 3 बार गुणा करें, देखते हैं 4 × 4 × 4 देखिए कैसे गुणा करना है, 4 का 4 में गुणा करें आएगा 16, फिर इंटू 4, 16 × 4 फिर से 16 का टेबल पढ़ें या 4 का गुणा करें तो यह जाएगा 64 बराबर। ठीक ठीक, इसी प्रकार आगे का हल आप यहाँ देखते हैं, यह तरफ काम में देखिए कि 100 की घात 3 बराबर होता है 10 लाख के बराबर, तो क्या लिख देते हैं संख्या को, कितने जीरो है 6 जीरो, 4, 5 और 6 जीरो। ठीक, धन यहाँ जाएगा 64 और धन इसका भी गुणा करते हैं क्रमशः। ठीक है, 300, 4 और 3। ठीक, यह जाएगा 300 × 4, यह जाएगा 1200 के बराबर, और 100 × 4 यह आएगा 104 यह जाएगा। ठीक, अब 104 में जब 1200 में गुणा करेंगे ये जाएगा 12,17,000, 1,24,800। ठीक, अब तीनों संख्या को जोड़ते हैं, ये जाएगा 10,564,000, 1,24,800। तीनों संख्याओं को वैसे ही जोड़ना है इकाई अनुसार, आप जोड़ लेंगे उत्तर आएगा यहाँ 10 लाख, यह जाएगा 11,24,864। ठीक है बच्चों, तो आया समझ में आपको, ठीक सिंपल, इसमें आपको जोड़ना है और गुणा करना है। ठीक है, समझ आया, आगे चलते हैं। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं। इम्पोर्टेंट है ये कि यदि x धन y धन z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 बराबर होता है 3xyz के, दिखाइए का मतलब सिद्ध करना। ठीक है, प्रूफ करना होता है, तो प्रूफ में क्या होता है, एक बायां पक्ष, कोई भी चीज को हम प्रूफ करेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये प्रूफ करना रहता है, कोई भी हम एक साइड लेके चलेंगे उसका उत्तर आखिरी में राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो वो सवाल हल हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, दिया है क्या, दिया है इसमें एक्स धन वाई जेड बराबर 0 है तो एक्स धन वाई बराबर माइनस जेड। देखिए यहाँ पे देख सॉल्व देखते हैं, हमको ना सवाल में दिया उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे x धन y बराबर z को ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा माइनस z, चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अब दोनों पक्षों का क्या लेंगे, धन लेंगे, धन का मतलब 3 होता है, आया समझ में, तो धन लेंगे तो x धन y की घात 3 हो जाएगा बराबर ऋण z की घात 3, दोनों तरफ हमने 3-3 लिखा। हाँ, आगे आप इसको सबसमिका द्वारा, एक सबसमिका भी पढ़ी थी आपने, तो इसके द्वारा x धन y की घात 3 हो जाएगा x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy
और कोष्टक में x धन बराबर ऋण z की घात 3, इसका भी रफ वर्क होता है। देखो आप लोग को भी रफ वर्क करना है अपनी कॉपी में, हाँ साइड में। ऋण z की घात 3, इसका मतलब समझाया था कि ऋण z को 3 बार लिखना है, समझा रहा है। अब यहाँ चिन्हों का गुणा होगा, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और z और z हो जाएगा z की घात 2, फिर इंटू माइनस z। अब यहाँ प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, z की घात 2 और यहाँ नहीं है कोई घात तो 1 मानेंगे, इसका मतलब z की घात 3 हो जाएगी, यानी वो जो संख्या हम घात 3 लेके चल रहे थे वो वैसा ही सेम आएंगे, तो सेम लिख देंगे स्टूडेंट z की घात 3, क्योंकि विषम संख्याओं में वही संख्या आती है। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमको क्या सिद्ध करना था कि x 3 y 3 धन z 3। अब देखते हैं ऋण z की घात 3 हमें चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा x की घात 3 धन y की घात 3 और ऋण z का बन जाएगा धन z की घात 3, ठीक है, बराबर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा t x y x प्लस y, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3। ठीक, अब यहाँ पे x धन y ये वाला माना था हमने माइनस z, ठीक, तो इसके स्थान पे लिख देंगे माइनस z, ये जाएगा बराबर माइनस 3 x y और z, ये होगा ये आएगा। ठीक, तो हमको यही सिद्ध करना है। ठीक, होमवर्क है कि सीधे गुणा किए बिना आपको इन संख्या के जो है सर्वसमिका द्वारा करना है। दो सवाल दिए हैं, पहला है 103 गुणा 107, दूसरा दिया है 104 गुणा 96। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला मान है 999, दूसरा मान है 102। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आप इसे कॉपी में लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, विशेषकर आप टेबल याद करेंगे। ठीक है, टेबल यानी जो गुणा वाली सारणी होती है, ठीक, वो याद करें, आपको याद होना चाहिए, तब आप ये सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी में लिख लेना।